गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं वृंदावन घूमने के लिए, प्रेम मंदिर देखने के लिए। तो ये मेरे साथ आए हैं भाई लोग, ये दीपक जो पिछली वीडियो में आपने इसको देखा होगा, ये नवीन भाई, और जो पीछे मोहित है, और ये अरुण, इसको भी आपने देखा होगा। तो हम पांच भाई जा रहे हैं प्रेम मंदिर देखने के लिए, चलो तो चलते हैं। हाय, तो हम पांच भाई हैं, साथ जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं हम। तो गाइस हम चलते हैं अपनी अपनी बाइक लेकर के, वो दीपक और नवीन पीछे रह गए हैं, आप देख रहे होंगे पीछे बाइक से आ रहे हैं, और हम उनसे आगे निकले आए हैं, चलो तो चलते हैं। तो गाइस अभी हम पेट्रोल पंप पर रुके हैं पेट्रोल गिराने के लिए, तो ये पानी पी रहे हैं सभी, देख सकते हो ये पानी प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा हो रही है अभी। और दीपक पीछे पेट्रोल गिरा रहा है, देख सकते हो पीछे बाइक लेके खड़ा है जो पानी कहीं ज़्यादा पी लेना। वृंदावन पहुंच गए हैं अभी, हम परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ का व्यू दिखाता हूँ आपको। तो गाइस हम वृंदावन तो पहुंच गए, बट एक लोचा हो गया है, जैसे वृंदावन पहुंचे तभी बहुत तेज बारिश हो गई थी, तो हम सभी लोग भीग गए, तो आप देख सकते हैं मेरे भाई मेरे सब भीग गए ये। तो चलते हैं वृंदावन पहुंच गए प्रेम मंदिर देखने के लिए, यहाँ पर पानी भी बहुत भर रहा है, फिर मत जाना भाई। तो बाइक हमने पार्किंग में लगा दी है, सामने बाइक लग रही हमारी पार्किंग में, तो अभी हम प्रेम मंदिर के सामने गए, यहाँ पे एंट्री हो रही है अभी। तो गाइस ये प्रेम मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे भीड़ है। तो गाइस यहाँ पे एंट्री हो रही है, आप देख सकते हैं हमारी चेकिंग भी हो रही है अभी, तो यहाँ पे बहुत ठंड लग रही है, भीज गया गाइस में। तो गाइस हम प्रेम मंदिर पहुंच गए हैं, ये किसके गए हो गए, तो आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत काफी सारी भीड़ है, ये कहाँ चले गए, दे हो रहा और उन्हें अरुण और मोहित और नवीन भाई हम सारे निकल गए हैं। तो गाइस आपको इसके बारे में बताता हूँ, ये ना जगत गुरु कृपाल महाराज जी ने इसका निर्माण कराया था, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के रूप में। तो गाइस ये 11 साल में बन करके तैयार हुआ था, इसमें कम से कम 1000 मजदूर लगे थे। तो गाइस यहाँ की एक विशेषता बताता हूँ आपको, अब तो ये वाइट है, तो शाम होते ही ना ये अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। तो गाइस यहाँ बहुत सारी भीड़ है, आप देख रहे होंगे पीछे का भी, तो ये तो गाइस अभी तो सफेद दिख रहा है, शाम होते ही अलग अलग कलरों में नजर आएगा। तो गाइस ये प्रेम मंदिर, तो गाइस यहाँ का भी नजारा देख सकते हो आप, ये मुझे छोड़ के चले गए। तो गाइस यहाँ देखने लायक बहुत आलीशान चीज है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर घूमने बहुत मजा आ रहा है, आपको क्या बताएं, यहाँ का आप आलीशान चीज देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर बहुत भीड़ है, आपको क्या बताएं, ये अंदर नहीं जाने दे रहे, शायद जाने दे रहे, आप देख सकते हो उससे आपसे कितनी भीड़ है आप, और यहाँ का व्यू भी आप देख सकते हो। तो गाइस कभी आप फ्री हो तो यहाँ पर जरूर आए घूमने के लिए, बहुत आलीशान मंदिर है। अरे हमें तो गाड़ी थी भर लेती,
वैसे प्रेम मंदिर है, आप देख सकते हो। ये पीछे का भी हुआ है, सामने का भी हुआ, आपको दिखाऊंगा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं कृष्ण जी को देखने के लिए, जो रथ पर बैठे सामने ही है। चलो चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। तो गाइस कृष्ण जी बैठे रथ पे, आप देख सकते हो। इधर भी देख सकते हो आप। तो गाइस यहाँ पर कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियाँ डांस कर रही हैं, यहाँ का भी आप व्यू देख सकते हो। और सामने गाइस फुहारे चल रहे हैं, पहाड़ पे से पानी आ रहा है। चलो तो वहाँ भी चलते हैं फुहारा देखने के लिए। तो यहाँ भी यहाँ पर ये फुलवारी वगैरह है, यहाँ का भी व्यू आप देख सकते हो, यहाँ का व्यू। तो गाइस ये पहाड़ पे से पानी आ रहा है, जो पहले जब कृष्ण जी ने अपनी एक उंगली पर उठाया था पहाड़े, तब का है। अब देख सकते हो कृष्ण जी ने एक उंगली पर उठा रखा है पहाड़, और ऊपर से पानी भी आ रहा है। तो इनको गाइस अब हम मंदिर में जा रहे हैं अंदर, तो चलते अब अंदर चलते हैं, अंदर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का। तो गाइस अभी हम अंदर पहुंच गए हैं, यहाँ का व्यू आप देख सकते हो, यहाँ का भी। तो बस अभी हम अंदर पहुंच गए हैं। पीछे
तो गाइस अंदर घूमने बहुत मजा आया। तो गाइस मैंने आपको बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करी बट कुछ दिखा ही नहीं पाया। तो गाइस वो सिक्योरिटी की वजह से मैं कहीं कहीं कैमरा ऑन नहीं कर पाया, उसकी वजह से मैं आपको अंदर का बहुत कुछ दिखा नहीं पाया। तो गाइस अभी बहुत कुछ रहेगा देखने के लिए, चाहो तो उसको दिखाता हूँ मैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं पूतना देखने के लिए, सामने जो पूतना है इसको देखने के लिए जा रहे हैं हम। ये चल, ये अपने हाथ पैरों को फेंक रही है गाइस। ओ भाई कितनी डेंजर है ये भाई, ये तो बहुत डेंजर है। और कृष्ण जी भी देख सकते हो आप, भाई कितनी भयंकर लग रही है देखने में। चलो तो भाई चलते, तो गाइस यहाँ पर कृष्ण जी माखन खा रहे हैं और पीछे कृष्ण जी भाग भी रहे हैं, ये सब तो कृष्ण जी भाग रहे हैं। और पीछे मैया यशोदा अनुपर डंडी लेकर के उनके पीछे भाग रही है। और देख सकते हो मन, यहाँ पर स्टेशन आ गए। ये सबसे बात यहाँ काली जी सामने जेल है, कृष्ण जी है टोकरी में, देखना आप इनकी रक्षा कर रहा है। तो यहाँ पर कृष्ण जी और राधा जी झूला झूल रहे गाइस। तो गाइस पीछे भी कृष्ण जी और राधा जी झूला झूल रहे हैं, जो आप पीछे देख रहे हो, यहाँ का व्यू आप देख सकते हो। तो गाइस प्रेम मंदिर देख करके बहुत अच्छा लगा। तो गाइस हम थोड़ी देर पहले अपने घर आए हैं, तो गाइस हम सभी लोग अभी हार चुके हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।